हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सीजीएल 2019 के लिए मैथ्स का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए और आपको इस सेक्शन को कैसे पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ टीयर वन की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, हम लोग साथ में टीयर टू की भी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें टीयर वन और टीयर टू दोनों का प्रिपरेशन आपको जम के करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूँ कि जब आदमी स्टार्ट करता है मैथ्स का प्रिपरेशन तो क्या कमी रह जाती है स्टार्टिंग में ही, और क्यों बाद में चल के उसको जब एग्जाम काफी नजदीक आ जाते हैं, एक महीने का टाइम रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। वो जो एक फियर होता है अंदर से, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो चीज क्यों आता है, वो तमाम चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, लाइक इस वीडियो को भी कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले तो मैथ सेक्शन की बात करें, देखिए ये बहुत ही ज्यादा वास्ट सेक्शन है, ठीक है। टोटल 100% में से 36% आपके जो है ये मैथ कवर करता है, 36% ही आपके जो है वो इंग्लिश कवर करता है, यानी टोटल 72%, ठीक है। और जो बच गए आपको 28%, इसमें आपको रीजनिंग, जीके और आपके डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स के ये कवर होते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मैथ में कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए टीयर वन में और टीयर टू में, टोटल टीयर वन में 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के रहते हैं, टीयर टू में जो है वो आपके 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक चीज है जो कि आपको बताना भी जरूरी है। अब हम लोग बात करें मैथ्स के टीयर वन और टीयर टू के सिलेबस के, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि टीयर वन और टीयर टू का सिलेबस अलग है, टीयर वन का और टीयर टू दोनों का सिलेबस एक ही है। बस फर्क इतना है कि लेवल ऑफ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टीयर वन में कुछ कम रहते हैं और टीयर टू में कुछ ज्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछने रहते हैं आपको और यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन या किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है। लेकिन टीयर टू में हर एक चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में दिए होते हैं उससे एक क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो टीयर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेंसुरेशन हो गए, ज्योमेट्री हो गए, जो एडवांस मैथ्स का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी आपके पास, देखिए जब मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर अभी से स्टार्ट किया है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग है उसका, तो वो कैसे उस चीज को डील करे ताकि वो ऑप्टिमम मार्क्स ला सके इस एग्जाम के लास्ट तक, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम हो उसमें वो ऑप्टिमम मार्क्स लाए। सबसे पहले तो मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा बहुत ब्रीफ, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि जितना भी आपका टीयर वन और टीयर टू का सिलेबस है, ठीक है, उसका एक अच्छे से कहीं पे पेपर में, जैसे ये मैंने लिखा है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप इसको क्या कीजिए नोटबुक में, ठीक है, एक अच्छे से फ्रेश पेज में आप उसको पूरे सिलेबस को लिखकर और कहीं जो है दीवार पर आप उसको चिपका दीजिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज रहे, ठीक है। ये चिपकाने से, और उसके बाद हर एक चैप्टर, जैसे कि आप अगर नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया उस पर टिक मारिए, ठीक है। फिर परसेंटेज जो भी कंप्लीट हो जाए उसको टिक मारना ताकि आपके दिमाग में रहे कि कितना कौन से महीना चल रहा है और कौन सा चैप्टर आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट लगे आपको कि हाँ ये चैप्टर मेरा पढ़ने के बाद भी मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसको आप स्टार मार्क करके और इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में आपको चलना है, पहली चीज। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी सिलेबस हैं उसको आपको एक कहीं पे नोटबुक में लिख कर और उसको दीवार पे आपको चिपका देना है, ठीक है। ये पहला आपका टिप्स हुआ। हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बुक के बारे में। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बुक मैंने यहाँ पे बताए हैं उसके अलावा कोई भी बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पहला एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के पास कि देखिए उनको ऐसा लगता है कि ये बुक अच्छा नहीं है, दूसरे बुक से वो चले जाते हैं। होता क्या है कि इस बुक को ही वो ठीक से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, फिर इस बुक को भी रिवाइज नहीं कर पाते, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है कि वो कहीं से भी, उनको किसी भी बुक का एक कमांड नहीं होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज तक जिस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैथ्स का चैप्टर वाइज आपके पास होना चाहिए, या तो किरण पब्लिकेशन का या आप राकेश यादव का बुक आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, इस बार क्या हुआ है कि टीसीएस
जो है आपका न्यू वेंडर है उसने जो क्वेश्चन का जो लेवल रखा है वो काफी कैलकुलेटिव रखा है आपको। आप जानते हैं कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके बैंक में आते हैं। मैंने आपके लिए बैंक का भी किरण का जो है चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ आपको कि आप इस बुक को भी बनाइए, ठीक है। आपके पास इन दो बुक में से यानी कि किरण और राकेश यादव की बुक में से कोई एक बुक होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा राकेश यादव का बुक आप ले लीजिए और किरण का ये बुक आप ले लीजिए चैप्टर वाइज, ठीक है। इसमें उसी तरीके से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सारे चीज दिए हुए अर्थमेटिक के, और इतना अच्छा क्वेश्चन और इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इससे बेस्ट प्रैक्टिस कोई भी बुक नहीं करवा पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद अवेयर हैं बैंक के लेवल के क्वेश्चन का जो अर्थमेटिक पूछता है। लोगों को लगता है कि बैंक में मैथ्स इजी आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। बैंक का भी जो लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है जो आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इन दो बुक को एकदम कोई एक बुक ले लीजिए, उसके बाद आपका सेकेंड नंबर बुक ये होना चाहिए और थर्ड नंबर बुक आपका कैट का होना चाहिए। इन तीनों बुक को अगर आप करीबन एग्जाम तक में 5 से 6 बार अगर रिविजन कर लिए तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि फिर आपका स्कोर जो है जैसा आप जितना स्कोर चाहते हैं वो स्कोर आपको इन्हीं सब बुक से मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा बुक को लेने की और खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई आपके। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट मैथ्स, इस सेक्शन को पहले कैसे स्टार्ट करना है। स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि देखिए मैथ्स में भी जो है अपना एक सिस्टम चलता है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करें ये स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। वो कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे उनको मन किया कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, उनको मन किया अल्जेब्रा स्टार्ट कर दी। नहीं, ऐसे आपको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आप स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपको पहले कोई भी चीज को फॉर्म में चलना है, जैसे परसेंटेज स्टार्ट किए हैं उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के बाद जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये चैप्टर, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट हो गए, ये सारे चैप्टर एक बार में खत्म करना है आपको। जब ये खत्म हो जाए मतलब कि एक चरण आपका खत्म हो गया। मैथ डिवाइडेड 3-4 चरण में, ठीक है। तो यहां से आपको वो हो गए। सेकंड में आपके आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, ये हो गए। उसके बाद आपके आ जाएंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, ये सारे चैप्टर अगर आपके हो गए तो यहां से आपका वो चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कवर करना है इसको। उसके बाद आपको जाना है एडवांस मैथ में, ठीक है। एडवांस मैथ में भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, ऐसे आपको जाना है। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात, एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि 3 ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कि स्टूडेंट नहीं करते हैं और बाद में उनको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं किया। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि जब एग्जाम काफी नजदीक होते हैं, 1 महीना बचा होता है एग्जाम का, तो स्टूडेंट काफी अवेयर होते हैं, तो वो हर एक अपने सीनियर से या यूट्यूब पर जाते हैं, बहुत सारी चीज देखते हैं, लोगों के सक्सेस स्टोरी सुनते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो जब वो लोग इन्हीं चीज को समझाते हैं तो उनको बाद में अफसोस होता है कि ये चीज उन्होंने इस टाइम पे क्यों नहीं किया। क्योंकि आपका एग्जाम जो है उसमें करीबन 6 मंथ्स के टाइम तो है ही, डेफिनेटली ये तो 100% श्योर है 6 मंथ के टाइम है। तो अभी से वो 3 चीज आपको मैं बता रहा हूं कि जो चीज जो है आपको करना है। सबसे पहला, जो स्टूडेंट नहीं करते हैं तो टारगेट स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। टारगेट जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन जैसे कि एक जैसे आपको टारगेट करना है कि मुझे अगस्त में ये सारे चीज चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और उसका रिविजन भी पूरा अच्छे तरीके से मुझे करना है, ठीक है। यहां से उनको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस महीने में ये टारगेट अचीव करना है, तो उसके अनुसार वो प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड मंथ में मुझे ये करना है, इस तरीके से करेंगे तो वो जल्दी उस चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो गलती वो करते हैं कि उस चीज का रिविजन नहीं करते। ऑब्वियस सा बात है कि जो बच्चा रिविजन नहीं करेगा, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कुछ ऐसा हार्मोन है कि आप भूल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है कि लोग पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिवीजन ही वो ऐसा एक बहुत ही ज्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है, जो कि आप उसके बलबूते जो चीज भी पढ़े उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। एग्जाम टाइम में फिर रिवीजन का कम प्रेशर रहेगा। और तीसरा चीज की टाइप वाइज सॉल्व नहीं करते हैं। जब भी जैसे कि अगर आप परसेंटेज बना रहे हैं तो उसमें आपको टाइप वाइज सॉल्व करना है कि जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहली बात की देखिए आपके पास एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले परसेंटेज पढ़ रहे हैं, उसका टाइप वाइज जो है आपको
क्वेश्चन लिखते जाना है, ताकि जब आपको ऐसे देखिए, अब जैसे ऑब्वियस बात है कि अगर आपके ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आपने एक चार्ट बनाया, अटेंडेंस बनाया हुआ है कि हाँ ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये अब्सेंट है, तो आप जब उस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कितने लोग अब्सेंट है कितने लोग प्रेजेंट है, तो आप रिलैक्स रहेंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या पता चलेगा। उसी तरीके से चैप्टर जब आप स्टार्ट करें तो कितने टाइप के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तो पूरा टाइम है, उन सारे क्वेश्चंस को आप लिखते चलिए। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन जो है मैंने कंप्लीट कर लिया, और इस टाइप का क्वेश्चन नया है तो उसको भी लिखते चलना है। तो ये तीन चीज को आपको अभी से ही दिमाग में डाल के चलना है। अब मैं आपको और भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि पहले स्टार्ट कैसे करना है। तो अर्थमेटिक से एडवांस की तरफ जाना है। सबसे पहले अर्थमेटिक, ठीक है, 2 महीने का टारगेट रखिए, 2 से 3 महीने का, कि 3 महीने में पूरा अर्थमेटिक को अच्छे तरीके से 2 से 3 बार रिवीजन के साथ, जो जो बुक मैंने आपको बोला है प्रीवियस ईयर और जो वो बैंक का मैंने आपको बोला था चैप्टर वाइज, इन दोनों बुक को 2 बार कंप्लीट कर लेना है अर्थमेटिक सेक्शन को, और उसके बाद एडवांस पे जाना है। क्योंकि अर्थमेटिक में क्या है कि जब आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर वो चीज है कि जल्दी आदमी भूलता नहीं है उस चीज को। एडवांस में प्रॉब्लम क्या है कि हर दिन एक नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता रहेगा, ठीक है, तो वो चीज इतना ज्यादा एडवांस में दिया हुआ है कि उसको रिवीजन और एग्जाम के नजदीक में पढ़ने से फायदा ही होगा कि फिर एग्जाम में वो चीज आपको दिखेगा कि हाँ बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। अब बात अर्थमेटिक से करना है तो देखिए, सबसे पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट कीजिए उसका पूरा बेसिक्स, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उस पर आपको पूरा दिमाग लगाना। जैसे आज अगर परसेंटेज स्टार्ट किए हैं तो क्वेश्चन बनाने के पीछे मत जाइए, पूरा आराम से धैर्यपूर्ण होते हुए पहले पूरे बेसिक्स को माइंड में, फिगर, इमेज, जो भी चीज दिया हुआ है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद जितना भी शॉर्ट ट्रिक आपको मिलता है वो सारे शॉर्ट ट्रिक को एक नोटबुक में आपको नोट डाउन करते चलना है अभी से ही, ठीक है। कम से कम 1 से 2 दिन पे इसको टाइम अगर आप देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हर बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन देकर पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इसका मतलब क्या है कि उस चैप्टर का आधा प्रॉब्लम तो आप वहीं पे सॉल्व कर दिए हैं कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के बलबूते। उसके बाद जो है थर्ड चरण में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है आपको, ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि टाइप वाइज कैसे पता चलेगा, तो नहीं भी पता चलता तो एक बार जैसे प्रीवियस ईयर आपने बनाना स्टार्ट किया तो प्रीवियस ईयर में जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको कुछ नया मिला उसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के बाद खुद आप सेपरेट नोटबुक में आपके पास पूरा टाइप वाइज क्वेश्चन आपको अभी से ही प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बाद में आपको आप देखिए ये चीज अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिवीजन में बहुत बेनिफिट्स होगा, और आपको किसी भी अदर यूट्यूबर जितने भी चैनल पर आपको दिखते हैं उनसे आपको टाइप वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जो क्वेश्चन जो टाइप में प्रॉब्लम होगा अगर आप देखेंगे, इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि जब आप देखेंगे कि ये टाइप का क्वेश्चन मुझे आता है और वो यूट्यूबर पढ़ा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरे काम का नहीं, उसको वहीं पर आप छोड़ देंगे। लेकिन कुछ नया टाइप आपको दिखेगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे ये मेरे काम का है, तो उसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे वहां से, ये बेनिफिट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का A to Z क्वेश्चन, ठीक है, SSC का प्रीवियस ईयर और बैंक का प्रीवियस ईयर, इन दोनों प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व कर जाना है, ठीक है। और जो भी जैसे कि कोई होता है कि नोटबुक किसी का फॉलो कर रहा है, किसी का कैप्सूल फॉलो कर रहा है, अदर चीज फॉलो कर रहे हैं, तो उसको बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप बना लीजिए पहले प्रीवियस ईयर के बाद ही, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप बनाएंगे उसको आप स्टार मार्क के साथ करते हुए चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको आपको स्टार मार्क कर देना है ताकि जब आप रिविजन करें तो उस स्टार मार्क को ही सॉल्व करें। उसके बाद आपको जाना है एडवांस की तरफ। एडवांस में भी वही चीज करना है, पहले आपको 1 से 2 दिन टाइम देकर पूरा फॉर्मूला को याद कर लेना है, हर एक थ्योरम को। जैसे कोई भी एक थ्योरम दिया हुआ है आपको, जैसे कि ये एक थ्योरम दिया हुआ है, अब इस थ्योरम में कैसे ये थ्योरम आया, कैसे वो चीज तो आप देख ही रहे हैं कि हाँ ये थ्योरम का ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपको अपना दिमाग इसमें लगाना है, अपना एफर्ट्स लगाना है। समझ गए तब भी एफर्ट्स लगाते रहिए इसमें, ठीक है। जितना थ्योरम दिया हुआ है उन सारे थ्योरम को पूरा अच्छे तरीके से खुद से प्रूफ करके आराम से, हो सकता है तो आपके पास 10th की बुक होगी, 10th की आप बुक ले लेंगे, वहां से आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब वहां से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज जितने भी थ्योरम दिए हुए खुद से पहले तीन एडवांस में, कि यहाँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप दो दिन भी लगा देंगे तो काफी है, लेकिन एडवांस मैथ में जब आप स्टार्ट करें तो थ्योरम और फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट, इन तीनों पे अराउंड आप 5 दिन का समय दीजिए। ठीक है, जब आप इस पूरे चीज को समझ लेंगे तो कितना भी क्वेश्चन घुमाकर आएगा आपके एग्जाम में, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2+2 4 होता है, तो अब अगर आपसे 3+1 पूछे, चाहे 0+4 पूछे, ठीक है, चाहे आपसे 6-2 पूछे, आप उसको सॉल्व कर ही देंगे, आपका आंसर 4 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला, थ्योरम और बेसिक कॉन्सेप्ट पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको खुद से दिमाग लगाना है, और उसके बाद ही आपको टाइप वाइज पढ़ाई स्टडी करना है। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल दिया हुआ है तो पहले स्क्वायर आ गया, फिर रेक्टेंगल आ गया, फिर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर जाना है। ठीक है, एक चीज और, सब का एक सेपरेट नोटबुक आपको बनाना है, फॉर्मूला का नोटबुक बनाना है, थ्योरम का नोटबुक बनाना है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का नोटबुक बनाना है, टाइप वाइज का नोटबुक बनाना है, और प्रीवियस ईयर दिया हुआ उसका स्टार मार्क आपको बनाना है। इस तरीके से आप पढ़ाई कर दीजिए, कर दिए आप लोग तो मैं आपको सही बोलता हूँ कि इससे अच्छा स्टडी, मतलब इससे बेस्ट चीज आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, तमाम चीज। ठीक है, टारगेट होना चाहिए अभी से कि आपको मैथ्स में टीयर 1 में 50 out of 50 और टीयर 2 में 200 out of 200 लाना है आपको। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि 200 ज्यादा हो गया, तो मैं उनको बता दूं कि देखिए आप 190, 180, 170 क्यों एस्टिमेट करेंगे अभी से ही। इसका मतलब अगर आप 180 एस्टिमेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी से ही आप 20 मार्क्स का कम मेहनत करके चल रहे हैं, अगर आप 170 कर रहे हैं तो 30 मार्क्स का आप कम मेहनत करके चल रहे हैं, तो इसीलिए अभी तो टाइम है कि आप 200 का 200 सोचें। माइंड जितना ऊपर तक का जाएगा उतना ही तो आप उस लेवल का एफर्ट लगाएंगे, मतलब कि 200 का मतलब होता है कि आप एक भी एरर को कहीं से भी आप छोड़ने वाले नहीं है। जैसे कि अगर 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया क्योंकि आपने 180 का टारगेट किया था, लेकिन 1 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, बोला कि नहीं ये काम का नहीं है। लेकिन जब आप 200 का टारगेट रखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये 1 क्वेश्चन भी मेरा क्यों छूट रहा है, मुझे इसको भी सॉल्व करना है। तो ये चीज अभी से आपको लेके चलना है, टारगेट पूरा 50 और 200 का लेके चलना है। अब इसमें कितना कम हो जाए वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन और सबसे बड़ी बात कि रूटीन वाइज भी आपको पढ़ना है। आपको अभी से ही टारगेट सेट कर लेना है कि मुझे संडे को 2 घंटा पढ़ना है, मंडे को 3 घंटा पढ़ना है, ट्यूसडे को कितना घंटा पढ़ना है, ये सब चीज आपका होना चाहिए। अभी से ही आपको हर एक का रूटीन और एस्टिमेट करके चलना है। अपने आप को 6 मंथ के लिए कहीं भी कैद या बंद कर लीजिए, ठीक है, अलग हो जाइए सबसे और एकदम पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। सक्सेस जो है आपकी कदम चूमेगी। मैं आपको बताऊं ना कि इसमें एक एक चीज जितना भी मैंने बताया है वो एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे है, ठीक है, इससे बेस्ट एक्सप्लेन करके आपको ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं समझा सकता है। ठीक है, तो बस आपका काम है अब इसको फॉलो करना और अपना 100% देना। ठीक है, तो जितने लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद उनको मोटिवेशन मिला या नहीं मिला है, और वो कितना स्कोर के लिए अभी से टारगेट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।